हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 28 मई 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल ही स्कूलों से आते जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी है 48%, ऑप्शन सी है 58%, ऑप्शन डी है 68%। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 48%। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में 48% स्कूली छात्र पैदल ही स्कूलों से आते जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है ओडिशा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट आते हैं, परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? परम योद्धा स्थल कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, पेरुम्बक्कम में स्थित 1152 आवास इकाइयों का उद्घाटन किसने किया जो प्री कास्ट सिस्टम का उपयोग करके बनाए गए थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है आरिफ मोहम्मद, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो प्रधानमंत्री ने खुद किया था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने। पेरुम्बक्कम में स्थित 1152 आवास इकाइयों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया जो प्री कास्ट सिस्टम का उपयोग करके बनाए गए थे। अच्छा, ये प्री कास्ट सिस्टम क्या होता है? प्री कास्ट सिस्टम में कारखाने में कॉलम, बीम, स्लैब आदि जैसी संरचनाएं निर्मित की जाती है और निर्माण स्थल पर लाई जाती है। इसका फायदा क्या है? तो इस तकनीक के फायदों में कम लागत और कम निर्माण समय शामिल है। मतलब क्या हुआ कि कारखाने में ही सब कुछ तैयार हो जाएगा, कॉलम, बीम, स्लैब वगैरह, बस वहाँ पर ला के क्या करना है, उसे यूज कर लेना है। और इसका फ़ायदा क्या है? इस तकनीक के फ़ायदों में कम लागत और कम निर्माण समय शामिल है। नेक्स्ट आते हैं, INS निर्देशक भारतीय नौसेना के 4 सर्वेक्षण जहाज़ों परियोजनाओं में से दूसरा जहाज किसके द्वारा बनाया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRIC शॉर्ट में बोलते हैं, ऑप्शन बी है कोचिन शिपयार्ड, ऑप्शन सी है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? INS निर्देशक को किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और किसके सहयोग से बना रहे हैं? तो LNT के सहयोग से। नेक्स्ट आते हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने तकनीकी कर्मचारियों के लिए किस भारतीय संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है बोथ BNC। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इसरो। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने तकनीकी कर्मचारियों के लिए इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, और इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने दुष्प्रचार की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ऑप्शन डी है फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन। दुष्प्रचार की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है? तो फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन ने।
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं, अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का स्थान क्या था? व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ द फोर्थ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान? आपके पास ऑप्शन है टोक्यो, ऑप्शन बी है दुशानबे जो कि तजाकिस्तान में है, ऑप्शन सी है संघाई, ऑप्शन डी है तेहरान। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुशानबे तजाकिस्तान। अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का स्थान क्या था? दुशानबे। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई के तहत मसौदा समिति का गठन किया? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है यूपी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई के तहत एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने। तो ये तो था हमारा 28 मई 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।